नमस्कार, आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल फ्रूट सलाद। मैंने आज यहाँ पे आपको दो टाइप का फ्रूट सलाद बना के दिखाऊंगी। चलिए, फ्रूट सलाद के लिए पहले हमको क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे सेब, केला, नींबू और अनार ले हूँ। आप चाहे तो आपके मनपसंद के फ्रूट ले सकते। पहले हम फ्रूट को काट लेंगे। सब फ्रूट को हम छोटे छोटे पीस करके काट लेंगे। इसको आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खा सकते, कोई भी ब्रॉथ में भी खा सकते। ये बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें तो फ्रूट ऐड है। सेब काटने के बाद हम यहाँ पे काटेंगे केला। केला को हम छोटा छोटा पीस करके काट लेंगे। आप चाहिए तो आपके मनपसंद के हिसाब से आप काट सकते। उसके बाद हम अनार डालेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे नींबू। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नींबू का रस ऐड किया है, अब ज़्यादा मत ऐड करिए। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे काला नमक और थोड़ा सा जीरे का पाउडर। ये भुना हुआ जीरा है। सब चीज़ को हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर सकते। और इसके ऊपर हम लगा देंगे पुदीने के पत्ता। देखिए, यहाँ पे हमारा एक फ्रूट सलाद बन के रेडी हो गया। ये बहुत सहज है, तुरंत सूची और तुरंत बना लीजिए। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ पे हमारा फ्रूट सलाद। चलिए दूसरा बना के देखते हैं। यहाँ पे मैंने सब फ्रूट को अच्छे से काट के रखा है और इसके अंदर हम थोड़ा सा काजू और किशमिश ऐड करेंगे। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा उबला हुआ दूध और उसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप मिल्क पाउडर ऐड कर सकते। सब चीज़ को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इलायची। इलायची डालने से मिठाई का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप चाहे तो इसमें चीनी ऐड कर सकते। सब चीज़ को हम अच्छे से मिला लेंगे। पहले से जो फ्रूट हमने काट के रखा था उसको उसके साथ मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना जल्दी हमारा दूसरा फ्रूट सलाद बन के रेडी हो गया। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा अनार का बीज डाल देंगे सुंदर देखने के लिए। आप इसको ज़रूर घर पे बनाएं। इस बार नवरात्रि के स्पेशल में आप इसको बना के ज़रूर खाएं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।